से सर अखिल भारतीय हिंदी महासभा नई दिल्ली के आभासी मंच पर आपका स्वागत है और आप कम समय में लघु कथा लिखकर प्रस्तुत हो गए और आपका लघु कथा को सादर कीजिए, स्वागत है। नमस्ते जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी सुनाई दे रही है, बोलिए। ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस आभासी पटल पर शिवाय सर जी और हमारे परम मित्र बामने जी ने मुझे आमंत्रित किया है। आरंभ करता हूँ। मुझे यहाँ इस आभासी पटल पर अपनी कहानी लघु कथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसलिए सर्वप्रथम सभी विद्वानों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी कहानी को लघु कथा को आरंभ करता हूँ। लघु कथा का शीर्षक है उम्मीद की लौ अर्थात आशा की ज्योति। रहीम, तुझे कितनी बार समझाया है कि मास्टर साहब को तिल के लड्डू देने चाहिए, तू हमेशा ही अंडे रख देता है उनकी थाल में। हजार बार समझाया कि मास्टर साहब खालिस सब्जे वलाय गजा हैं, आज यहाँ उनका आखिरी दिन है, न सांस लेने में तकलीफ है और न ही जायके में कोई फर्क। डॉक्टर साहब ने बेकार में ही उन्हें यहाँ कैद करके रखा है, स्थानीय विधायक के महाविद्यालय के छात्रावास जिसे कोविड 19 कोरोना महामारी के रुग्णों के आश्रय स्थली में परिवर्तित कर दिया था, उसमें खाना पहुंचाने वाले होटल कोहिनूर के मालिक सलीम ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। अब डॉक्टर मास्टर साहब को तिल के लड्डू और केले ही दूंगा, लगता है अब मास्टर साहब की तरह खालिस हिंदुस्तानी ही बोलनी पड़ेगी, यानी शुद्ध हिंदी, शुद्ध शाकाहारी, श्वास स्वाद व्यर्थ बंदी। ज्यादा मस्खरी मत कर, अब इतना पढ़ा लिखा आदमी कभी देखा है जो पूरी दुनिया घूम करके आया हो? मैं तो कहता हूं तू भी पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनकर बिल्कुल अपने चचेरे भाई अकबर की तरह। मास्टर साहब ने ही अकबर की जिंदगी को नया मोड़ दिया है। आज अकबर बड़ा अफसर बना है, यह सिर्फ मास्टर साहब की ही वजह से। मास्टर साहब अकबर को हिंदुस्तानी के साथ साथ तारीख और अलम सियासत भी पढ़ाते थे, वरना हमारे पूरे खानदान में था ही कौन जो सरकारी अफसर बन करके लाल बत्ती की गाड़ी में घूमे। क्षमस्व पिताश्री, मास्टर साहब तो हिंदुस्तानी को हिंदी, तारीख को इतिहास और अलम सियासत को राजनीति शास्त्र कहते हैं, और तो और अम्मा को माताश्री, अब्बू को पिताश्री, भाईजान को भ्राताश्री कहकर पुकारते हैं। अब तो मास्टर साहब को भी गुरुवर यही कहना पड़ेगा, मुझे नहीं सीखनी ऐसी मुश्किल जबान। देख ले, कोई भी जुबान सियासी इख्तियार से ही आगे बढ़ती है। जब मुगल हुक्मरान थे तो फारसी का राज था, जब अंग्रेजों का वक्त था तब अंग्रेजी राजभाषा बनी, और अब हिंदुस्तान आजाद होकर 75 वर्ष बीत गए हैं तो हिंदी का ही राज होना चाहिए ना। सलीम बोलते रहे आगे, मास्टर साहब के दादा उर्दू के अच्छे जानकार, शेर अशार गजल भी लिखते थे, पर पंजाब की हिंदी तहरीक में शामिल भी हुए थे। तेरे दादा और नाना ने भी
उन्हीं से उर्दू सीखी थी। तभी मास्टर साहब अपना सामान बांधे बाहर आए। सलीम और रहीम ने झुक करके अभिवादन करते हुए कहा, नमस्ते मास्टर साहब। देखो मास्टर साहब, हमारा रहीम भी आपकी बोलने बोलने लगा है, श्वाद श्वास स्वाद और मैं जाने क्या, तो इसे भी अगले वर्ष हमारे महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दीजिए, इसे अकबर के जैसा ही अधिकारी बना देंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जी जरूर मास्टर साहब। नहीं नहीं गुरुवर्य, आप मास्टर साहब ही बोलिए, अब भाषा के नाम पर हम आपस में नहीं लड़ेंगे। अंग्रेज जॉन गिलक्रिस्ट और लॉर्ड मेकाले का सपना पूरा नहीं होने देंगे। कौमी इकजहदी और राष्ट्रीय एकता की उम्मीद खिलो, आशा की ज्योति जलाए रखेंगे। आमीन ओम आमीन। धन्यवाद। मेरी लघु कथा यहीं समाप्त हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उम्मीद की लो ये लघु कथा आपने जो पढ़ा है बिल्कुल अभिनय के साथ आपने प्रस्तुत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे अभी आप एक लघु कथा लिखे, हम आने वाले दिनों में आपके नाम से संग्रह प्रकाशित होगा, ये शुभकामनाएं देते हैं। और आगे के लघु कथाकार